नमस्कार दोस्तों, द वी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्त वाले आलू फ्रूट चाट की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे मीठी चटनी और हरी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक चम्मच साबुत जीरा, एक चम्मच सौंफ, सेंधा नमक यानी कि वर्त का नमक स्वाद अनुसार, 100 ग्राम गुड़, 4 से 5 चम्मच चीनी, इमली का पानी। यहां मैंने 2 से 3 घंटे पहले 50 ग्राम इमली को गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। उसके बाद उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और ये इस तरह से पानी इकट्ठा कर लिया उसका। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम साबुत जीरा, साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चलाएंगे इसे। अब डालेंगे हम सौंफ, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा पकने देंगे इसे। अब डालेंगे हम इमली का पानी, और साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अब हम डालेंगे इसमें गुड़, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। लगभग 200 ml, और इसको पकने देंगे जब तक हमारा गुड़ है जो अच्छे से घुल नहीं जाता। गुड़ है जो अच्छे से घुल चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। चटनी में बॉईल आ चुका है, इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो जाए, यानी कि जो चटनी है वो हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसको हम 5 से 10 मिनट और पकने देंगे। चेक करते हैं, चटनी है जो पहले से थोड़ी थिक हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसको हमें ज्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी ज्यादा थिक हो जाएगी। चटनी है जो रेडी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मीठी चटनी रेडी है। अब हम बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना 100 ग्राम, 50 ग्राम हरा धनिया, एक साबुत हरी मिर्च, सेंधा नमक यानी कि वर्त वाला नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीजों को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, यानी कि चटनी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पुदीना, साथ ही डालेंगे हम हरा धनिया, फिर डालेंगे हम हरी मिर्च, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीजों को हम पीस लेंगे। ये देखिए हरी चटनी भी है जो रेडी है।
इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। चटनी है जो दोनों हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आलू चाट के बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहां मैंने दो आलू लिए हैं उबले हुए और इनको इस तरह से चंक्स में काट लिया है। 2 चम्मच अनार के दाने, 1 सेब, 1 केला, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, यहां मैंने जीरे को भून के उसको पाउडर बना लिया है, सेंधा नमक यानी कि वर्थ का नमक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच नींबू का रस, 3 से 4 चम्मच फिटी हुई दही, मिक्स ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम बारीक कटा हुआ, काजू टुकड़ा। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और गर्म होने देंगे ऑयल को। ऑयल है जो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जो हमने चंक्स में काटे हुए हैं इस तरह से। जब तक इनमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता है इन्हें हमें तब तक पकाना है। आलू है जो रेडी है हमारी, ये देखिए आलू में कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आलू भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी के बचे हुए आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। जो मैंने एक सेब और केला लिया था उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम जो हमने फ्राई करे हुए आलू और डालेंगे कटे हुए सेब और केले। और डालेंगे अनारदाना। और डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश और डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, फिर डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी, फिर डालेंगे लाल मिर्च ये भी लगभग 2 चुटकी। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस और डालेंगे दही लगभग 2 से 3 चम्मच, और डालेंगे पिसी हुई हरी चटनी जो हमने बनाई थी ये भी हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और डालेंगे मीठी चटनी इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सभी चीजें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। यहां मैंने एक प्लेट ली है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स किया हुआ हमारा आलू चाट का मिक्सचर।
अब डालेंगे ऊपर से थोड़ी सी दही, साथ ही डालेंगे मीठी चटनी, और डालेंगे हरी चटनी, डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, अनार के दाने, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी दही और डालेंगे हम, और थोड़ी सी मीठी चटनी, अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये देखिए दोस्तों वर्त वाला आलू चाट रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आलू चाट की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको रेसिपी देखनी होगी वो वहां से देख सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूंगा। देखते रहिए द वी किचन।